नमस्ते विद्यार्थियों, JCERT के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और आपके समक्ष है आपका अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है ग्रामीण जीवन एवं समाज। तो चलिए इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों, 1757 ईस्वी के पलासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और इससे कंपनी का मनोबल बढ़ने लगा और अब जो कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वह व्यापार के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी विजय पताका लहराने पर विचार करने लगी। अन्य क्षेत्रों का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अन्य क्षेत्रों का मतलब है राजनीतिक क्षेत्र, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में भी वह अब आगे बढ़ने लगी। तो इसका मुख्य ध्येय व्यापार के माध्यम से अधिकतम मुनाफा कमाना और प्रशासनिक हस्तक्षेप के द्वारा अपने व्यापार को सुरक्षित करना था। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी का जो है भविष्य और भी प्रशस्त हो गया और 12 अगस्त 1765 ईस्वी को कंपनी का जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड क्लाइव, उसे मुगल बादशाह से बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई। बंगाल की दीवानी प्राप्त होने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि बंगाल में जो लैंड रेवेन्यू है, भू राजस्व है, उसे कलेक्ट करने, उसका कलेक्शन करने, उसका संग्रह करने का जो अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। तो आप देख सकते हैं बच्चों स्क्रीन पे, अब कंपनी बंगाल के व्यापार के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी विजय पताका फहराने लगी। ठीक है, और आप यहाँ एक चित्र देख सकते हैं, सन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्वीकार करते हुए। तो यहाँ तक समझे होंगे विद्यार्थियों, चलिए हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, दीवानी मिलने के बाद क्या हुआ, यानी कि बंगाल में जो टैक्स कलेक्शन करने का जो अधिकार मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, इससे क्या हुआ? इससे कंपनी के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी आई और बहुत सारे अधिकार भी प्राप्त हुए। अब मूल समस्या ये थी विद्यार्थियों कि ग्रामीण क्षेत्रों पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए। जो गाँव का जो सिस्टम था टैक्स कलेक्शन का, वो कोई सामान्य नहीं था और भारत कोई छोटा सा देश भी नहीं है विद्यार्थियों। तो इतने बड़े देश में ग्रामीण क्षेत्रों पर, जहां उस समय ना सड़कें थी, ना रेलगाड़ियां थी, आवागमन के साधन भी बहुत कम थे, नहीं के बराबर थे, तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना प्रभाव कैसे जमाया जाए? तो इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी संयम और काफ़ी नियंत्रण के साथ प्रयास करना शुरू किया। तो कुछ इन्हीं चीज़ों का विद्यार्थियों हम इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। तो इस अध्याय के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे अपना उपनिवेश बनाया। तो बच्चों, चलिए हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि अंग्रेज़ों ने बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद बंगाल के भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू को वसूलने के लिए भूमि के संबंध में कौन कौन से नियम बनाए और उसे कैसे लागू करवाया। ठीक है बच्चों, और इतिहास के इस तीसरे अध्याय में हमारा मुख्य फोकस यही होगा कि भूमि कर या राजस्व वसूलने के लिए अंग्रेज़ों ने जो नीतियाँ बनाई, उसे भारत में सिलसिलेवार और क्षेत्रवार किस प्रकार से लागू किया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नाम आता है सन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स की इजारेदारी प्रथा। बच्चों, इजारेदारी प्रथा क्या होती है इसके बारे में जानिए। तो इजारेदारी प्रथा सन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाई गई। यह पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी।
इसमें जो व्यक्ति सबसे अधिक बोली लगाता था उसे 5 साल के लिए भूमि का ठेका दे दिया जाता था। इस कारण किसानों से जितना चाहे उतना लगान वसूला जाता था। मतलब लगान कौन वसूलते थे? जो भूमिपति होते थे, है ना। और उनको कितने साल के लिए ठेका मिल जाता था? 5 साल के लिए, ठीक है। तो इसमें किसानों का भरपूर दोहन हुआ। और बच्चों आगे है कि 1777 में इसे 5 वर्ष से घटाकर, यानी जो ठेके की जो अवधि है उसे 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष की कर दी गई। तो इजारेदारी प्रथा आप समझे होंगे बच्चों। सीधी सीधे सीधी सीधे भाषा में यदि हम कहें तो कोई ज़मीन का टुकड़ा, कोई ज़मीन का भाग 5 साल के लिए किसी व्यक्ति विशेष को ठेके पर दे दिया गया, और उस पर जो भी किसान खेती करते हैं, रैयत है, वे क्या करेंगे? उस व्यक्ति विशेष को जिसने कि ठेका लिया है उसको टैक्स का पैसा चुकाएंगे, और टैक्स संग्रह करने का पूरा अधिकार उसी व्यक्ति का होगा जिसने कि ठेका लिया है। तो इसको हम लोग कहते हैं इजारेदारी। समझे होंगे बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं 1793 का जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू वसूली के लिए जो कानून लाया गया। तो भू राजस्व वसूली के लिए अंग्रेजों के द्वारा लाया हुआ जो सबसे बड़ा कदम था उसे हम अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। तो बच्चों अस्थाई बंदोबस्त को अंग्रेजी में कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। और परमानेंट सेटलमेंट का जब नाम आता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम सामने आता है। बच्चों अस्थाई बंदोबस्ती जो है वो 22 मार्च 1793 से बंगाल में लागू किया गया। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट या कि अस्थाई बंदोबस्ती क्या है। तो आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पर भी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को भूस्वामी मान लिया, यानी कि जो जमींदार थे वही हैं भूस्वामी, ऐसा कानूनी मान्यता दी गई। जमींदारों को एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए सूर्यास्त के पहले चुका देनी पड़ती थी। मतलब यदि 1 महीने की अवधि है तो महीने के अंतिम दिन को सूर्यास्त के पहले यानी कि सूरज डूबने के पहले पहुंचा देना है, नहीं तो उनकी ज़मीन नीलाम यानी कि ऑक्शन कर दी जाती थी, ठीक है। अंग्रेजी में ऑक्शन कहेंगे, हिंदी में नीलाम। इसी प्रकार सूर्यास्त कानून भी कहते हैं। इसमें सरकार को 89% और जमींदार का जो हिस्सा है वो 11% होता था। इससे कंपनी को निश्चित आय होने लगी। कंपनी को प्रत्येक किसान से वसूली के कार्य से मुक्ति भी मिल गई। इसमें आगे बच्चों इससे कंपनी को निश्चित आय तो होने ही लगी, है ना। लेकिन इसमें जो मुख्य चीज़ है कि जो इसमें जमींदार बनाए गए वो क्या हो गए? ब्रिटिश भक्त बन गए, यानी कि अंग्रेजों के भक्त बन गए, और वंशानुगत आधार पर जमींदार बनाए जाने लगे। मतलब यदि जमींदार कोई है तो फिर यदि उसकी जमींदारी ठीक से चल रही है तो उसका बेटा जमींदार होगा और फिर आगे उसका बेटा जमींदार होगा, ये सिस्टम लागू किया गया। यह जमींदारों के लिए वरदान साबित हुआ। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था कि किसान पूरी तरह जमींदारों पर आश्रित हो गए, मालिकाना हक छीन गया। जमींदारों से संपर्क होने और कृषकों की समझ नहीं होने के कारण यह आगे चलकर बहुत घातक सिद्ध हुआ। विद्यार्थियों आपने सिनेमा में देखा होगा या पुस्तकों में पढ़ा होगा कि जमींदार जो हैं वे बहुत बड़े शोषक साबित हुए थे और उन्होंने किसानों का बहुत दोहन किया और इससे हमारे देश की बहुत हानि हुई थी बच्चों। तो अस्थाई बंदोबस्ती प्रणाली जो थी उससे भले ही अंग्रेजों को लाभ हुआ हो लेकिन भारतीय किसानों को बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ा, उन्हें बहुत क्षति हुई, उन्हें मानसिक रूप से भी पीड़ा हुई और आर्थिक रूप से उन्हें हानि तो हुई ही, और देश भी बच्चों हमारा पीछे चला गया। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आप अस्थाई बंदोबस्ती को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। फिर से बच्चों एक बार मैं बता दूं कि अस्थाई बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू हुआ था, और इसमें होता क्या है कि ज़मीन का जो कोई एक बड़ा सा भाग है
उसमें एक जमींदार नियुक्त कर दिया जाता है और उस जमीन के टुकड़े में जितने भी किसान खेती करते हैं उनसे वो जमींदार लगान वसूल करेगा और उसको महीने के अंत में या जो एक निर्धारित तिथि होगी उस तिथि के अंदर सूर्यास्त होने के पहले लगान की राशि जमा करनी होगी। यही था अंग्रेजों का परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थाई बंदोबस्त। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नई व्यवस्था को देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो इस व्यवस्था की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में, यानी कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा 1793 का स्थाई बंदोबस्त उसके बाद। तो 1822 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत एवं पंजाब में लागू हुआ। तो महालवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो सबसे पहले आप समझिए कि महाल का मतलब होता है एक संपूर्ण गांव। राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी जमींदार को नहीं बल्कि गांव के मुखिया को होती थी। एक नई बात हुई, यहाँ जमींदार को जमींदार का कोई अस्तित्व नहीं है बल्कि एक गांव के मुखिया है और उस गांव के मुखिया को राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया। इस व्यवस्था के तहत पूरे गांव की ज़मीन पर गांव के सभी रैयतों का अधिकार माना जाता था और इसी के आधार पर सभी को भूमि कर का भुगतान करना होता था। तो विद्यार्थियों निश्चित रूप से आप समझे होंगे। तो सच पूछिए तो ये जो व्यवस्था है इसको अंग्रेज जो है, चूँकि भारत की संस्कृति से उनका कोई जुड़ाव तो था नहीं, तो जब वे भारत आते हैं तो अपने तरीके से जो जो व्यवस्था उनको समझ में आती है समय के साथ साथ सिलसिलेवार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियमों के साथ वो भू राजस्व का संग्रह करने के लिए नियम लाते हैं। अब उसी तरह से एक और व्यवस्था है जिसको हम लोग कहते हैं रैयत बाड़ी व्यवस्था। तो इस व्यवस्था की शुरुआत बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, जो अंग्रेजों की बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी जो आज के महाराष्ट्र क्षेत्र में है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी महाराष्ट्र और गुजरात में बच्चों, और मद्रास प्रेसिडेंसी तो आप समझते हैं लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत। तो तब का मद्रास प्रेसिडेंसी का मतलब आज का तमिलनाडु राज्य नहीं है बल्कि मद्रास प्रेसिडेंसी में तब के का जो मद्रास प्रेसिडेंसी था उसमें आज का कर्नाटक का भी हिस्सा है, आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा है, तमिलनाडु तो है ही, कुछ केरल का हिस्सा भी है। तो वहाँ ये लागू किया गया और इसको लागू करने का कार्य किसने किया था? टॉमस मुनरो ने किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ टॉमस मुनरो की तस्वीर भी है। तो इस व्यवस्था के तहत रैयतों यानी किसानों और कंपनी के बीच सीधा सीधा संबंध होता था, बीच में कोई मुखिया महाजन या जमींदार की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि रैयत बाड़ी व्यवस्था में क्या, रैयत बाड़ी व्यवस्था में सीधे सीधे किसान होंगे, बीच में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा और उन्हीं किसानों से जो है कि टैक्स की वसूली की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पुनः एक बार बता दूं कि रैयत बाड़ी व्यवस्था मद्रास और बम्बई के अधिकतर भागों में लागू की गई थी। इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसको है? टॉमस मुनरो को है। इसके अंतर्गत क्या होता था? प्रत्येक जमीन धारक जिसको हम लोग कहते हैं रैयत, है ना, झारखंड में भी हम लोग रैयत कहते हैं, तो प्रत्येक जमीन धारक यानी रैयत को भू स्वामी स्वीकार कर उसके साथ लगान देने की शर्तें तय की गई थी इस व्यवस्था के तहत। किस व्यवस्था के तहत? रैयत वाड़ी व्यवस्था के तहत। ठीक है, इन क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य कारण यह था कि इस इलाके में बड़े जमींदार नहीं थे, यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में और मद्रास प्रेसिडेंसी में उस क्षेत्र में बड़े जमींदार नहीं थे जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि बंगाल क्षेत्र में थे। इसके तहत उपज से होने वाली आय का लगभग आधा भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। मद्रास में यह व्यवस्था लगभग 30 साल तक लागू रही। तो बच्चों बहुत सारी जानकारी की चीज़ें हैं और अभी मैं जे सी आर टी
का जो हमारा पाठ्य पुस्तक है उसके पेज नंबर 29 से लेकर 34 तक जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें मैंने बताने का प्रयास किया। इस पाठ में और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बच्चों, तो आप कोशिश करिए कि टेक्स्ट बुक को आप एक बार पढ़ जाएं और टेक्स्ट बुक पढ़ने के पश्चात आप ये जानने का प्रयास करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो भारत आने के बाद अपने प्रशासनिक हस्तक्षेप के माध्यम से कैसे दीवानी बंगाल की दीवानी प्राप्त करती है और किस प्रकार से आगे चलकर जो टैक्स का कलेक्शन का काम भी करती है और इससे कंपनी की आय भी बढ़ जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया। तो इस पहले वीडियो में मैंने अब तक जो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई वो क्या था बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको इजारेदारी के बारे में बताया। इजारेदारी के बारे में बताने के पश्चात बच्चों मैंने आपको क्या बताया, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बताया है ना, और तीसरा महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताया और चौथा रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बच्चों भारत के समाज में, ये आज भी कई रूपों में देखने को मिलता है, क्योंकि लगभग 200 वर्षों की भारत की गुलामी में अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाई गई नीतियाँ थी वो किसी न किसी रूप में आज भी हमें झेलना पड़ता है। आप कई फिल्मों में देख सकते हैं बच्चों कि किस प्रकार से भूमिपति जो कृषकों का शोषण करते थे है ना, तो समाज में एक सामंती मानसिकता थी जो कि भारत के विकास के लिए अच्छी नहीं थी। तो कई महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना है। आप अगले वीडियो के माध्यम से इसी पाठ के कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, और इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।